एक छोटा जहा व्लॉग बना के बड़ा देसी जहा मैं व्लॉग बनाया वे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शान अली रहमान और आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो है बब्बू राणा, जिनको पूरी दुनिया जानती है। वालेकुम सलाम शान भाई जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे मिल के और आपने जो हमें टाइम दिया मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। नो प्रॉब्लम, तुसी भराओ मेरे छोटे भराओ, मैं हाजिर ताबेदार। अच्छा बब्बू भाई, मैंने देखा माशाल्लाह आपको पूरी दुनिया आपको जानती है और माशाल्लाह से जितना मतलब आप फेमस हैं पाकिस्तान में, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये इसलिए पूछना चाहूँगा कि जितने भी स्ट्रगलर हैं या जो दुनिया में लोग हर फील्ड में हर काम में वो मेहनत कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन सबको मैं यही मैसेज दूंगा कि अपनी नीयत रखें साफ और स्ट्रगल करें। अपनी कहते हैं कि इंसान को पता होता है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ या मैं कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो सब लोग जो स्ट्रगलर हैं ख़ास तौर पे उनको यही मैं कहूँगा कि स्ट्रगल अपनी दे कोई कसर ना छोड़ो, बाकी दी गल्लां अल्लाह ते छड़ दिओ, क्योंकि जे तुसी नीयत ना मेहनत करोगे तो उहदे विच भाग भी लगणगे। तुसी इंसान नूं ते धोखा दे सकदे, मतलब फैक्ट्री दे विच फॉर एग्जाम्पल कि तुसी किसी फैक्ट्री लगे हो ना, तुसी उहदे मालक नूं धोखा दे सकदे लेकिन अल्लाह नूं धोखा नहीं दे सकदे। राइट, हाँ जी। तो इस तो नीयतां दे वो जानता है इंसान के अंदर जो चल रहा होगा, जेहन जो चल रहा होगा वो भी अल्लाह ताला जा जानती। तो हमेशा अपनी जी नीयत साफ रखो और अपनी स्ट्रगल च कोई कसर ना छोड़ो, अपना 100 तो भी उत्ते देने की कोशिश करो हमेशा, तो बाकी अल्लाह ताला जात जी मदद करती है, वही को मंगो 24 घंटे वो दिल्ली। अच्छा जब मैं आपसे मिला था तब फैसलाबाद में मैं छोटा सा था, तो मैंने आपको देखा माशाल्लाह, मैंने वाकई ही आपको मतलब बड़ा फॉलो किया है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है और जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको फॉलो करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो मेरे एक दिल की हसरत थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले मैं इनसे मिलूं और इनसे कुछ सीख के जाऊं, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है और एक छोटा सा प्रोग्राम था इनके साथ। अच्छा बब्बू भाई, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था आई थिंक अखबार जहां में, आपके फादर के साथ था आपका इंटरव्यू, आपकी उनके साथ फोटो लगी हुई थी। अच्छा, तो आपको मतलब जो आपके फादर थे उन्होंने मतलब आपको हमेशा मतलब आपको एक्टिंग के लिए और जो आप करना चाहते थे उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया था? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा जान से जड़े उन्होंने हमेशा मैंने सपोर्ट किया और मेरे को जो नहीं से पैसे होंगे मैंने मेरे वाल साहब में दिल से कह लिया, तो मैं हम उन्होंने बहुत मिस करना चुके हो, काफ़ी देर हो गई वफात पा चुके ने। जाहिर गल जिन्नी देर तक तुम घरों तुम फुल सपोर्ट ना हो फिर तुम अपने एम के कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो जिन्नी देर तक माँ प्यो की दुआ ना हो, बुजुर्गों की दुआ बहुत जरूरी होंगी है, जो भी अज बुजुर्गों की दुआ का सदका थोड़े सामने बैठे। बिल्कुल। अच्छा आपको ये तो याद आता होगा, मतलब माजरत के साथ मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, कि काश आपके फादर होते आज आपको इस मुकाम पे देखते तो आपकी ये जो खुशी थी ये तो आपको मतलब दुबाला हो जानी थी आपके लिए। हाँ बस इस तरह ही है, मैं बहुत मिस करना तुम दसिया ना जी कि हूँ उन्होंने टाइम से। बिल्कुल, बस वो शरीफ आदमी सन, बुजुर्ग पुराने लोग सीधे साधे लोग सन, बस मिस करना वा जारी गल है। अज होंगे तो फिर उन्होंने जो खिदमत सेवा जो मेरे बस च होना से जारी गल सारा कुछ उन्होंने हूँ। मेरे बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे ने माशाल्लाह, और हूँ माँ प्यो तो बाद जेडे ने वो बच्चे ने तो मेरी वाइफ है, उन्होंने दुआवा भी मेरे नाल। अच्छा बब्बू भाई, एक बड़ा सा ना मतलब फनी और एक ना मेरे पास एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। आपके लाखों फैन हैं माशाल्लाह से, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, हम देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ, हमें खुशी भी होती है, उनमें फीमेल्स भी होती हैं, तो क्या हमारी बहन हमारी भाभी आपसे लड़ाई करती है इस बात पर? नहीं, वो नहीं करती। अच्छा मेरी जोड़ी घरेलू लाइफ है ना जी, मेरी शो भी तो अपोजिट है जी, यानी कि मेरे मेरी वाइफ जी वो माशाल्लाह ग्रेजुएट है माशाल्लाह, और वकालत भी उन्हें की थी, वाओ, बैंक दे विच भी उन्हें जॉब की थी। वेरी गुड। तो वो मतलब कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने पता है। दूसरा है कि असी खुद भी ऐसे नहीं है
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 22-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਚਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਰੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ अच्छा बब्बू भाई आपने बताया आपकी लव मैरिज थी तो मुझे तो मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा हुआ है कि जब आपकी स्ट्रगल लाइफ थी तब आपका तो मतलब आप ही ने बड़ा साथ दिया होगा हाँ नहीं लेकिन जब मेरी शादी हुई मैं उसकी जॉब छुड़ाती सी अच्छा हालांकि वो उदो 60-70 हज़ार रुपया की जॉब सी बैंक की जो मेरी शादी हुई मैं आप उदो दिल कर 30 हज़ार रुपया महीने का कमाता सी जी लेकिन वो फिर मैं उन्होंने जॉब नहीं कर दी मेरे ससुराल ने भी बड़ा कहा जॉब ना छुड़वाओ मैं कह नहीं मैं जॉब नहीं करवानी है मेरा कह लो कि मैं अच्छा नहीं लगता जो भी है सब कुछ यदा ही है लक होया तो यदा कख होया तो फिर ओदी भी नीयत अल्लाह ने उन्होंने बर्दाश्त कर दी देखो घर जो चलता ना ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੈਂਟੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੋਰੀ ਗਾਇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ अच्छा बब्बू भाई आप माशाल्लाह मतलब पाकिस्तान से बाहर भी गए थे हाँ जी कनाडा गए थे मैं कनाडा भी गया हूँ यूके भी गया थे मिडिल ईस्ट में सारा करके आया सबसे ज्यादा मजा किधर आया था कनाडा अच्छा अच्छी कंट्री अच्छा पंजाबी सिख आपके बड़े फैन है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बहुत मैंने ज्यादा कॉल हिंदुस्तान तो आंदी है पंजाब तो जी पाकिस्तान तो घट आंदी इसकी क्या वजह है सारे पंजाबी ने ना उत्थे इत्थे लोग साडे प्रॉब्लम पता है कि साडे इत्थे माड़ा जिहा फनकार हिट हुंदा ना फौरी हुंदा पंजाब दा जी वो फौरी उर्दू बोलना शुरू हो जांदा मतलब कि जो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ अच्छा एक होर सवाल के आफ्ताब इकबाल साहब माशाल्लाह तुहाडे नाल बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हुंदे ने ते तुहानू कैसा फील हुंदा है आफ्ताब इकबाल साहब जिहड़े ने ओह पाकिस्तान दा इस टाइम कह लो कि बड़े वड्डा सासा ने बिल्कुल उन्होंने थिएटर के फनकारां नूं इक कह लो कि नवी लाइफ दित्ती जी जे असीं वी अज कल्ला थिएटर कर रहे हुंदे ते दिल करे मैं इत्थे तेरे सामने ना बैठा हुंदा कैमरे ते बिल्कुल क्योंकि उन्होंने एक नया आइडिया लैके आए ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਭ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਸੈਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸੈਟਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਓ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਥੀਏਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਫਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੀ ਬੁਰਵਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ
आ मेरे वड्डे भाई और मैं इन्हों को बहुत कुछ जिंदगी सीखी है और इंशाल्लाह ताला गाहे बगाहे मैं इन्होंने को अगर भी सीखता रहा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।